अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सैफी और जहर का इंटरव्यू करने आई हूँ। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने मुझे टाइम दिया है, बड़ी मुश्किल से इन लोगों से टाइम मुझे मिला है। क्योंकि नहीं नहीं मासूम, मैं तो सुबह से रेडी थी, ये आराम से रेडी होता है। हाँ जी, बस चले, पर मिल तो गया, बात तो की है ना। हाँ सही है। कैसा रहा दिन आपका? सारा सोसो के गुजारा है, सोसो के गुजारा। हाँ तो मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ, वो खुद बोल रही है ना भाई, मैं ये तो नहीं कह रही कि मुझे सहर आप जवाब दो। हाँ। मैं तो कह रही हूँ कोई भी बोल रहे। हाँ सैफी आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र पहले से मुझे फर्क है। सही है। अच्छा मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहूंगी, वो ये पूछना चाहूंगी कि पहले हम एरल को उधर बिठा दें। ओके अच्छा जी। अच्छा सहर और सैफी, आप लोगों का जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम मैं देख रही हूँ कि चल रहा है। अल्लाह ताला अच्छा ही रखे, अच्छे नसीब करे आप लोगों के, खुश भी रहो आप लोग, बहुत ज्यादा मेरे बच्चों की तरह हो आप लोग। अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ सवाल मैं पूछूंगी कि मैं देखना ये चाह रही हूँ असल में कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अब लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, आप लोगों को, मुझे तो पता ही है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सैफी क्या लाइक करता है, वो शहर से पूछूंगी। शहर वाह, ये तो वाकई बड़ा जबरदस्त जवाब है। लेकिन इसके अलावा भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, नहीं पर ये तो बात है, सैफी क्या खाता है? सैफी कुछ भी खा जाता है, सैफी इसका दिमाग भी खाता है। हाँ जान खाता है, मैं शहर से पूछ रही हूँ कि सैफी क्या खाता है। सैफी बिरयानी खाता। अच्छा ठीक है। और कलर कौन सा पसंद है इसको? ब्लैक। ब्लैक अच्छा। और क्या उसे कहते हैं, इसको पहाड़ों में जाना पसंद है या फिर दरिया पे या समंदर पे या कहाँ पे? मेरे पास। मैंने कहा मैं जाऊंगी, तेरी खाना पसंद है। ओह वाह, उससे भी पूछ रहे बेचारे से, लाई झूठ तो नहीं है? मुझे पहाड़ों में जाना नहीं पसंद। हाँ मैं भी बहुत पहाड़ देख रही हूँ, मुझे भी बड़ा डर लगता है पहाड़ों पे। मुझे डर नहीं लगता, मैं आवाज़ रहता हूँ। वही ना आवाज़ आ रही ना वहाँ पे जाके, वो क्या उसे कहते हैं, ना कोई हमारा रास्ता रहता है आपस में ना, है ना, ये इससे थोड़ा सा डर लगता है मुझे। लाहौर बिल्कुल नहीं पसंद था। फिर कैसे पसंद है? अब अच्छा लगता है, बड़ा बोल भी आ गया। नहीं बड़ा बोल आगे आ जाता है ना। मुझे भी नहीं फैसलाबाद पसंद था। हाँ देखा ना, दोनों के साथ सच में नहीं पसंद था। हाँ देखा, मैं कहती थी मैंने नहीं फैसलाबाद जाना। हाँ देखा ना, फैसलाबाद पसंद नहीं। अक्सर होता है कि बंदे को जो नहीं लाइक होता ना, बंदा करता वहीं पे वो हो जाता है, निकलने का दिल नहीं करता। हाँ जी जी, फैसलाबाद अच्छा लगता है ना। अब फैसलाबाद में पहले सिर्फ फैसलाबाद अच्छा लगता नहीं, अभी कुछ अभी परसों की बात है जब आप कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि फैसलाबाद में इतना कुछ है, लेकिन इतना कुछ है। इन्होंने बताया नहीं इनको था कि शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। हाँ सही बात है, सही बात है, ये भी बात। मुझे फिर मायरा लेकर गई। हाँ मायरा बहुत अच्छी, मायरा बहुत अच्छी, मैं भी अच्छी हूँ। हाँ उधार अच्छा नहीं है। सही है सही है, चले जी। अच्छा अब क्या उसे कहते हैं, उसके अलावा ये बताए मुझे कि नहीं, बात तो फिर वही होगी, मैं वो पहाड़ों पे इसको जाना नहीं पसंद, तो फिर और शहर को हिल स्टेशन या बीच पे जाना पसंद है? इसको जहाँ मर्जी ले लो, ये खुश है। हाँ हाँ ये भी सही है, बाकी बहुत अच्छी आदत है, नाइस, मुझे भी पसंद है, खुश है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जी सहर, मुझे ये बताएं कि आपको अपने बालों का कलर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? मुझे बर्गंडी कलर करवाती हूँ हमेशा। हाँ? मैरून कलर। हाँ, वो बहुत अच्छा, मेरा नेचुरल कलर था, लेकिन जब से बाल खराब हुआ है ना तब से। अच्छा सैफी ये बताओ कि तुम्हें सहर का बालों का कलर कौन सा अच्छा लगता है? शहर का यही वाला, यही वाला सही। और आपको? फुल ब्लैक नहीं, हाँ थोड़ा सा बीच में। लड़कों के ज्यादा कलर अच्छे नहीं लगते, जैसे नेचुरल कलर होता है वही अच्छा लगता है। मेरा नेचुरल कलर है ब्राउन। हाँ ठीक 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 सही सही ठीक ठीक। तीन ऐसी चीजें बताएं जो आपको खुश करती है। सहर आप, मेरी माँ, नमाज, सैफ खान का साथ। क्या बात है। और सैफी अब आप बताएं आपको क्या चीज खुश होती है? मुझे पता है आपको सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा। खुश क्या करती है आपको, कौन सी चीज बहुत खुशी देती है आपको, बहुत तस्कीन मिलती है उससे?
खुशी फैमिली के साथ और दोस्तों में और शहर का सरप्राइज, शहर से बात और तीन चीजें। चलें जी, शहर को ही कर रहे हैं ना, वो तो हर चीज में खुशी है ना। हाँ, खुशी खुशी। अच्छा चलें, ये बताएं कि शहर अब दुखी करने वाली तीन चीजें क्या है आपको? दुखी, दोस्तों का झूठ, बहन भाइयों की नाराजगी और इनका फजूल का गुस्सा। भाई ना किया करो ना गुस्सा, साथी क्यों करते हो तुम? मैं गुस्सा कुछ किया करो, आप बताएं। अब आप शेड्यूल भी है, शेड्यूल इनके सबको बता दूं। ठीक है चले। मुझे क्या करती है? सबसे पहले मेरी माँ की बेइज्जती, दूसरी बात मेरे शरान भाई की नाराजगी, ओ माय गॉड, जो हर हफ्ते होती, तीसरा इसका नाराजगी, शहर का नाराजगी। अच्छा चलें जी, कभी ऐसा चांस बना हो, आपको लगा हो कि हम कोई आउटिंग पे जाएं कहीं बाहर, तो कभी मूवी देखने बंदा चला जाता है सिनेमा, ठीक है ना। वैसे तो आजकल ये कोरोना की वजह से बंद हुआ है, बड़ा मसले हुए हैं, लेकिन चले कभी, अभी स्टार्ट हो गया है ना मेरा ख्याल है, तो कभी कोई चांस बना हो आपका जाने का, कोई मूवी शूवी देखने का। कौन सी देखी, साथ में देखी या अकेले में देखी? नहीं अभी देखी हमने, रिसेंटली मूवी देखी है सिनेमा में, स्पाइडर मैन। अच्छा ट्रांसलेट ही किया उसको, बैठे थे सुन रहे थे बता रहे थे। सही सही। अच्छा पॉपकॉर्न सबकॉर्न खाए वहाँ पे, क्या उसे कहते हैं, पॉपकॉर्न खाए, बड़ी मिनते करने पे लागे दिए, वो भी शान भाई ने। समोसे खिलाने थे ना वहाँ के, वो सड़े हुए समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, वहाँ के सड़े हुए समोसे भी बड़े मजे के होते हैं, और वो एक पेप्सी होती है घटिया सी, वो भी बड़ी मजे की लग रही होती है उस वक्त, क्योंकि भूख लग रही होती है ना, साथ साथ देख के मजा होता है। सही है सही है। तो क्या उसे कहते हैं, और अभी कहीं प्लान नहीं आप लोगों का कहीं दूर जाने का, यानी मीन्स के जैसे मरी में, मरी तो खैर नहीं, कहीं और किसी ठंडे इलाके में? नहीं मरी का मैं सोची थी बर्फबारी देखकर, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा जी, वो मरी में ना बड़ी यादें हमारी वो बसता है अलिशबा के साथ, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, वो माहिरा के साथ भी जबरदस्ती होती हाय हमेशा। चले बहरहाल, वो मैं शेयर कर नहीं सकती, वरना मैं जरूर करती सबके साथ शेयर। वो अलिशबा कभी बैठी होगी ना, उसका इंटरव्यू करेंगे, फिर करेंगे उसके साथ, फिर आपको पता लगेगा। लेकिन वो बड़ी बड़ी मुश्किल वाली बात है कि वो सुनेगी ना। चले बहरहाल, क्या उसे कहते हैं, अभी आप लोगों का प्लान है मरी का, तो फिर मुझे भी साथ ले जाए। आपको तो कब से मायरा कह रही है चले चले, आप जा ही नहीं रही। असल में मैं आपको बताऊं तो मेरे मियाँ यहाँ नहीं है ना, तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा वो हो जाती हूँ उनके बगैर, उदास हो जाती हूँ। मेरे नखरे उठाने वाले मेरे हस्बैंड है, प्यार करने वाले। हमने कमजोर कर दिया अपनी मासी से काम करके, अभी मैं कमजोर। नहीं नहीं, मैं सच्ची में बाकी में उनके बगैर बहुत उदास होती हूँ। फिर कभी कभी गाना भी सुनती है, दिल को करा रहा है, दिल को सुकून आया। मैंने इनका काफी कीमती टाइम ले लिया, ठीक है बच्चों का, और वैसे तो मैं इनके लिए ज्यादा कीमती हूँ, मैंने इनको टाइम दिया है। तो बाकी ये है कि मुझे बड़ा मजा आया इन लोगों के साथ बातें करके, मैं तो वैसे सारा दिन ही करती हूँ इन लोगों से बातें। मेरा ये था कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि हमारी लाइफ कैसी है, क्योंकि शहर इधर आई हुई है फैसलाबाद में, तो हम लोग इकट्ठे बहुत सारी सैरें भी कर रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको बिठा के आप लोगों के लिए थोड़ी सी बातें कर लूं। तो बाकी शहर कोई और आप मेरे बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? माँ बहुत ही प्यारी है, वो कैमरा रहती है क्योंकि प्यारी बहुत है, नजर ना लग जाए। ओए माँ सबके जाना। और सैफी तुम मेरे लिए कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा बस यही काफी। हाँ चले जी, अब इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछने हुए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, और मेरे
चैनल के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? हाँ, सब्सक्राइब करें के चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें। ओह थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह सही है, चले जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अगर कोई आप लोगों को लगे कि मैंने कोई कमी कर दी सवाल पूछने में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट इनसे बैठ के बात करेंगे। और इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़ सहर, अल्लाह हाफिज़।